बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है और ये है जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जो कि वन एक्ट प्ले, जो कि पहला प्ले है हीट लाइटनिंग, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट और सारे ही यहाँ पर कवर किए गए हैं, इसलिए आपको यानी मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके अंदर कि आपको ज़्यादा एडिशनली कुछ काम करना पड़े। जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उनका इंतहाई सादा लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है और काफ़ी इसको सॉर्ट आउट करके लिखा गया है कि जिसके अंदर मैं आपको साथ साथ समझा भी दूंगा और आपको इजीली समझ भी आता चला जाएगा। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाई कुडंट द गर्ल डिस्क्राइब द किलर, यानी जो वो जो कातिल था उसको वो डिस्क्राइब क्यों नहीं कर पा रही थी। तो द गर्ल कुड नॉट डिस्क्राइब द किलर बिकॉज शी हैड नॉट सीन हिज फेस क्लियरली, फर्दर मोर शी वॉज टू स्केयर्ड टू डिस्क्राइब एनीथिंग। यानी वो इसलिए नहीं डिस्क्राइब कर पाई उस किलर को क्योंकि एक तो उसका उसने शक्ल नहीं देखी थी, उसका जो फेस था उसने सही तौर पर नहीं देखा था, और दूसरा फिर वो डरी हुई थी तो जिससे उसको कुछ बताया नहीं जा रहा था। तो ये है कि वो डिस्क्राइब क्यों नहीं कर पाई, मतलब क्या है इसका कि एक तो उसका फेस क्लियरली नहीं देख पाई, दूसरा वो डरी हुई थी। फेस क्लियरली नहीं देख पाई और डरी हुई थी, फेस क्लियरली नहीं देख पाई और डरी हुई थी, दैट इज द रीजन। तो सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वर द सर्कमस्टांसिस दैट फोर्स द गर्ल टू लीव द कार, यानी किस वजह से उसे अपनी कार छोड़नी पड़ी, कार से बाहर आना पड़ा। हर कार रैन आउट ऑफ गैस एज इट वॉज नाइट, देयरफोर शी कुड नॉट वेट फॉर हेल्प फ्रॉम समवन, शी हैड टू लीव हर कार ऑन द रोड एंड स्टार्टेड वॉकिंग टू कैच अ बस। कि उसकी गैस ख़त्म हो गई थी कार की और रात थी और वो वहाँ पे इंतज़ार नहीं कर सकती थी किसी कभी, और इसलिए उसे अपनी कार छोड़नी पड़ी और चलती रही वहाँ से कि शायद आगे कोई बस मिल जाए तो मैं घर पहुँचूँ और बाद में यानी आके कार को तो दोबारा से भी लिया जा सकता है। तो मीन्स यानी जो है इसका कार उसने अपनी क्यों छोड़ी, क्योंकि उसकी एक्चुअल में उसकी गैस ख़त्म हो गई थी कार की और फिर रात थी और फिर वो इंतज़ार नहीं कर सकती थी और फिर वो टॉर्च वगैरह उसने ले ली और फिर वहाँ से चल पड़ी के रास्ते में, अगर मुझे बस वगैरह मिल गई या कोई भी लिफ्ट मिल गई तो मैं घर कहीं पहुंच सकूं। तो ये रीज़न थी जिसकी वजह से उसे अपने कार से बाहर आना पड़ा। व्हाई डिड शी आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द फर्स्ट मैन, जैसे कि आपने प्ले अगर आपने सुना है उसकी उर्दू, मैंने पूरे उसके ऊपर बताया हुआ है। तो तीन कैरेक्टर्स थे, फर्स्ट मैन, सेकंड मैन एंड द गर्ल। तो फर्स्ट मैन असल में वो था कि जब वो आती है सेट के ऊपर तो जो पहले शख्स वहाँ बैठा था वो फर्स्ट मैन है और सेकंड मैन जो बाद में आता है। तो व्हाई डिड शी आस्क द हेल्प फ्रॉम द फर्स्ट मैन, पहले आदमी से उसने मदद क्यों चाही। तो शी आस्क्ड द फर्स्ट मैन फॉर द हेल्प बिकॉज शी थॉट दैट ही वॉज अ पैसेंजर वेटिंग फॉर द बस एंड द किलर वॉज फॉलोइंग हर फ्रॉम बिहाइंड, शी वॉज इन टेरेबल स्टेट, देयरफॉर शी आस्क्ड हिम फॉर हेल्प एंड सेफ्टी। मतलब कि क्या होता है कि पहले आदमी से वो मदद के लिए कहती है क्योंकि उसको ये लगता है कि ये जो आदमी यहाँ अंदर बैठा हुआ है बस स्टेशन पर, असल में ये कोई कॉमन पैसेंजर है और ये बस का इंतज़ार कर रहा है और जो एक्चुअल में किलर है वो तो उसके पीछे है, जो दौड़ता हुआ आ रहा है, तो ये किलर तो हो नहीं सकता, लिहाजा ये कोई बंदा ही है कि जो मेरी कुछ मदद कर सके। और दूसरी फिर वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी तो इसी वजह से उसके डर और खौफ में उसको पता भी नहीं चल रहा था कि एक्चुअल में उसने किससे मदद लेनी है, कौन है, कैसे है, बस उसके जहन में खौफ था तो उसने उसी आदमी को ही बेहतर समझा कि यही जो है मेरी हेल्प कर सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वॉज द कंडीशन ऑफ द वेदर, यानी जो मौसम था उसका क्या हालत थी। द कंडीशन ऑफ द वेदर वॉज क्रिटिकल एंड हॉरीफाइंग एंड इट वॉज अ स्टॉमी नाइट विद हैवी रेन लाइटनिंग एंड थंडरिंग, कि जो हालत थी मौसम की वो काफ़ी क्रिटिकल थी, काफ़ी यानी पेचीदा थी और खौफनाक भी थी। एंड इट वॉज अ स्टॉमी नाइट विद अ हैवी रेन, यानी एक तूफ़ानी रात थी और उसमें बहुत तेज़ बारिश थी और बिजली की गरज चमक वगैरह जो थी उसके अंदर थी। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड द सेकेंड मैन एक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइन, वो जो सेकेंड मैन था उसने फर्स्ट मैन को ये क्यों कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब ये झूठ वाली जो बात है, सबसे पहले तो उसने ऐसे कैसे मौके पर कहा, ये मैं हमारे माइंड में आना चाहिए कि जो है वो कोई ऐसा मौका था कि वो झूठ बोल रहा था। तो एक मौका ऑब्वियसली था क्योंकि अंदर से कुंडी लगी हुई थी और उसने वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा था क्योंकि बाहर बारिश भी थी और तूफान भी था और कीचड़ वगैरह था, तो अंदर आना चाहता था और वो दरवाज़ा नॉक कर रहा था। और उसने जब उसे पूछा कि अंदर कोई लड़की है तो उसने कहा था कि नहीं कोई लड़की वगैरह नहीं है यहाँ पे। तो फिर उसने कहा कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, कोई लड़की मैंने खुद जब मैं झांक रहा था मैंने खुद देखी है, तो कह रहा है लड़की नहीं अंदर, ऐसे कैसे हो जाता है, लड़की तो हम फटाफट पहचान लेते हैं भाई।
तो ये वजह थी उसके अंदर. तो कहते कहते सेकेंड मैन हैड सीन अ गर्ल थ्रू द हैड सीन द गर्ल थ्रू द ग्लास ऑफ द डोर. यानी जो सेकेंड आदमी था, जो सेकेंड मैन था, उसने लड़की को शीशे से खुद देखा था. द फर्स्ट मैन वॉज अनविलिंग टू टेल हिम अबाउट हर. और वो दूसरा जो बंदा था उसको चाह नहीं रहा था कि उसको बताए. देयरफॉर द सेकेंड मैन अक्यूज्ड द फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग. उसने उसको इल्जाम लगाया कि तुम झूठ बोल रहे हो यहाँ पे, कि लड़की के मामले में वो भी झूठ बोल रहे हैं, कमाल करते हो तुम, कैसी बातें करते हो. तो नेक्स्ट चलते हैं जी हम अगले जो क्वेश्चन हैं उनकी तरफ. तो ये है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे. सिक्स क्वेश्चन है, डिड द गर्ल बिकम द सस्पिशियस ऑफ द फर्स्ट मैन एज द प्ले प्रोग्रेस. यानी जो लड़की थी, क्या उसको कुछ लगा कि जो पहला आदमी है वही असल में यानी किलर था, फर्स्ट मैन, यानी उसके बारे में उसको कुछ शक हुआ. सस्पिशियस बिकम द सस्पिशियस ऑफ द फर्स्ट मैन एज द प्ले प्रोग्रेस. यानी जैसे प्ले शुरू होता है तो उसको कुछ शक, उसको तो एंड तक शक नहीं हुआ था, शुरू में क्या होना था. नो शी वॉज नॉट डाउटफुल अबाउट हिम टिल एंड, यानी आखिर तक उसको शक नहीं हुआ उसके ऊपर. देन इट वॉज हर ऑन फ्लैश लाइट दैट मेड हर रेकग्नाइज द किलर. ये उसकी उसकी अपनी टॉर्च थी जो उसने उसके जब उसने अपने कोट से निकाली थी तो उसको उसे देखना, वो ये तो मेरी टॉर्च है, तो इस बंदे के पास क्या कर रही है. उसने कहा अच्छा तो यही तो है असल में वो कातिल, गौर से देखो इसका चेहरा. तो वो था कातिल जिसकी वजह से उसको लगा. खैर नंबर सेवन, वट इज़ हर इम्प्रेशन अबाउट द सेकेंड मैन. उसका सेकंड मैन के बारे में इंप्रेशन क्या, यानी उस सेकंड मैन के बारे में क्या सोच रही थी. असल में चूंकि वो खौफ ज़्यादा थी, डरी हुई थी, उसको लग रहा था उसके पीछे है, तो अब पहला आदमी तो पहले ही अंदर बैठा हुआ था, तो दूसरा आदमी आया था तो उसको उसको देखा, उसने कहा ऑब्वियसली यही हो सकता है. लेकिन जब वो चला गया तो उसको लगा कि ये वो कातिल नहीं है, अगर ये कातिल होता तो शायद कुछ अलग सी कोई चीज़ ऐसी करता जिससे इसका प्रिडिक्ट कर पाती कि कातिल है. लेकिन वो नॉर्मली चला गया तो बाद में उसका उसे पता चलता है. अच्छा तो इंप्रेशन क्या था, द गर्ल जज द सेकेंड मैन टू बी द किलर. उसने उसको समझा कि वो जज किया उसने कि ये किलर है, होम जिसको शी हैड सीन ड्रैगिंग आउट द डेड बॉडी ऑफ द गर्ल फ्रॉम हिज कार. जिसको उसने देखा था कि वो उस कार में से कुछ निकाल रहा है बाहर. हु हैड बीन चेजिंग हर ऑल द वे टू द बस स्टेशन. और वे वही था कि जो उसको चेजिंग कर रहा, चेजिंग का मतलब यानी पीछा कर रहा था उसका ऑल द वे टू द बस स्टेशन. बस स्टेशन तक शायद उसका पीछा कर रहा था, ये वही था. तो ये ऐसा इंप्रेशन था उसका सेकेंड मैन के बारे में. वाइडन्ट शी अकॉम्पनी द सेकेंड मैन. उसने सेकेंड मैन को अकॉम्पनी क्यों नहीं दी, यानी उसके साथ वो क्यों नहीं बैठी, उसके साथ मीटिंग वगैरह क्यों नहीं चाह रही थी, उसके साथ बैठना बात करना, या उसके साथ वो यानी एक अच्छा फील नहीं कर पा रही थी, क्यों ऐसा था. द गर्ल डिड नॉट अकॉम्पनी द सेकेंड मैन बिकॉज शी प्रिज्यूम्ड हिम द किलर हु वॉज चेजिंग हर. यानी वो इसलिए नहीं उसके साथ बैठ रही थी, उसको लग रहा था कि एक्चुअल में यही तो वो कातिल है जो मेरा पीछा कर रहा है. तो ये वजह थी. Why did the girl consider the first man her helper? वो जो लड़की थी उसने first man को अपना helper consider क्यों किया, या क्यों उसको लगा कि पहला ही आदमी जो है वो असल में उसका help support देने वाला है. The girl found the first man in the bus station as she reached the. जब वो वहाँ पहुँची तो उसने वहाँ आदमी को देखा तो उसने कहा कि वो तो बहुत पीछे होगा, यानी उसका जहन ये कह रहा था कि वो जो है वो कहीं पीछे होगा. तो शी थॉट, उसने ये सोचा दैट द किलर वुड बी बिहाइंड हर. और जो कातिल है वो तो पीछे होगा और ये जो आदमी यहाँ बैठा हुआ है कोई और है. एंड द फर्स्ट मैन वॉज जस्ट अ पैसेंजर. यानी जो पहला आदमी जो वहाँ बैठा हुआ है वो कोई पैसेंजर है. सेकेंडली ही वॉज शोइंग द सिंपथी फॉर हर. और फिर उसके साथ हमदर्दी भी इतने ज़्यादा कर रहा था कि नहीं नहीं आप तो जो है वो कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपका साथ हूँ, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, ये है वो है. और फिर उसने बहुत सारी और भी बातें की उसको. यानी कमाल किस्म का आदमी था वो कातिल, कि उसने उसको महसूस ही नहीं होना दिया कि यार मैं ही हूँ वो जिसने इतना बड़ा कांड कर रखा है. तो लगा ही नहीं उसको. खैर फॉर हर देयर फोर शी कंसिडर्ड द फर्स्ट मैन हर हेल्पर. तो इसलिए उसको महसूस होने लगा कि यही तो है राजकुमार मेरे सपनों का जो मुझे बचा सकता है. लेकिन एक्चुअली में वो राजकुमार तो कुछ और ही था, कमाल तो किसी और सूरत में निकला. तो खैर ये एक था. और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि वट आर द फैक्टर्स दैट प्लेड देयर रोल इन सेविंग द गर्ल. के क्या वो फैक्टर्स थे जिसने
ये रोल प्ले किया कि वो लड़की को बचाने में, यानी लड़की को बचाने में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने कुछ प्ले से आपको मिलता है कि अच्छा ये सीन हुआ तो इससे उसको थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ या इस चीज़ ने उसको बचाया वहाँ से। तो क्या था पहली चीज़ इसके अंदर, हम ये कह सकते हैं कि उसकी लक अच्छी थी, वरना जिस तरह वो वहाँ पे आई थी और उसके साथ बैठ के च्युइंगम भी खा ली थी उसने, आपको पता है ना, च्युइंगम भी खाई थी उसके लेके बूम बूम अफरीदी या डिंग डोंग जो भी थी, तो ये तो फिर किसी और सूरत में निकला था काम, तो बच गई उसकी किस्मत अच्छी थी, यानी एक तो उसकी लक अच्छी थी और हर ऑन फ्लैश लाइट, फिर उसने जब उसकी सबसे मेन जो चीज़ थी वो उसकी फ्लैश लाइट थी जिसको उसने पहचान लिया, वरना सोचो वो बैठ जाती और उसे बस तो आखिरी थी, बस तो निकल गई थी, इसका मतलब ना पीछे किसी ने बस ने आना था ना किसी बंदे ने आना था पीछे, तो शायद उसको भी मार देता, ऐसा कुछ हो सकता था। तो मतलब सबसे पहले तो है हम कह सकते हैं उसकी लक अच्छी थी, फिर हम ये कह सकते हैं उसकी फ्लैश लाइट उसने देख ली, और अगर वो सोचो ना निकालता और बाद में उसकी जगह छुरा ही निकाल लेता, उसके रखता उसको और मार देता तो कैसा लगता, ठीक है ना, तो उसकी तो पूरी हो जाती ना गैस, गाड़ी की तो ख़त्म होती है, उसकी अपनी भी ख़त्म हो जानी थी, ये प्रॉब्लम था उसके साथ। और फिर स्टॉर्म, तो यहाँ पे आता है कि स्टॉर्म ने कैसे उसको बचाया यार, तो वो स्टॉर्म ने ऐसे उसको बचाया कि मीन्स कि वो भटकती नहीं रही, उसको किसी जगह पे आके रुकना पड़ा, और जहाँ पे शायद वो अगर कुछ ऐसा ना होता तो वो शायद बस स्टेशन ना आती या अपने आप को वहाँ सेव न करती, लेकिन वही प्रॉब्लम भी उसके साथ हुआ, लेकिन वही सोल्यूशन भी उसको मिला कुत्ते की शक्ल में, यानी वो जो आया था बाहर से उसको बचा लेता है। द वुड्स, यानी जंगल वगैरह से भी वो गुजरी है, यानी वो उसका खौफ था असल में, जो कि जंगल वगैरह से वो जब जा रही थी तो वहाँ गिर गई और फिर वो सोचती है, तो ये सारे कुछ सर्कमस्टांसेस है, यानी अगर इसमें सारे में देखा जाए ना तो इसमें मेन उसके लक और उसकी फ्लैश लाइट थी जिसने उसको बचाया। एंड द सेकंड मैन ने किस तरीके से, कि सेकंड मैन ये था कि जब वो असल में बस पे चली जाती तो फिर उसको थोड़ा ख्याल है कि ये कातिल होता तो ये कभी भी इस तरह ना जाता, ये क्या हुआ, यानी ये कुछ ख्यालात थे जिससे उसको लग रहा था कि थोड़ा बहुत उसकी सपोर्ट मिली होगी, लेकिन इनफैक्ट लक एंड द फ्लैश लाइट वर द टू मेन थिंग एंड द डॉग ऑब्वियसली जिसने उसको बचाया था, यानी उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने अपनी फ्लैश लाइट भी देख ली, और किस्मत ही अच्छी थी कि कुत्ता भी आ गया और कुत्ते ने उसको बचा लिया, यानी कुत्ता था इसका हीरो, ना के फर्स्ट मैन ना के सेकंड मैन, तो इनफैक्ट तो कुत्ता भी एक करेक्टर है वैसे इसके अंदर, है ना, मेन करेक्टर तो है ही कुत्ता, कुत्ता भी करेक्टर है। वर द डॉग वर द फैक्टर्स दैट प्लेड देयर रोल इन सेविंग द गर्ल, यानी उसके कुछ फैक्टर्स थे जिसने उनको बचाया। तो खैर जी, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा नहीं है ये, बस ख़त्म होने वाले हैं, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना, और आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ये कोई 17-18 सवाल है और एंड होने वाले हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम 11वें सवाल की तरफ। हाउ डिड शी रियलाइज द ट्रुथ, उसको कैसे पता चला गया, यानी सच उसने कैसे भांप लिया था। शी रियलाइज द ट्रुथ बाय वॉचिंग हर ऑन फ्लैश लाइट इन द हैंड्स ऑफ द मर्डरर, यानी उसने कातिल के हाथ में अपनी वो टॉर्च देख ली थी कि ये तो मेरे से गिर गई थी और ये इसने उठाई है, तो इसके हाथ में, तो इसका मतलब एक्चुअली में कातिल भी है, और इसके कोर्ट में कैसे आ गई, या तो ये कोई जादूगर हो सकता है, तो जादूगर तो फिर ऐसे नहीं होता, उसका जादूगर छोड़ो, फिल्म शाहरुख खान की कम देखा करो भाई, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि ये चोर कातिल ही है इनफैक्ट, तो ये एक रीज़न थी उसके पास। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है कि डिस्क्राइब द बस स्टेशन सीन ना हीट लाइटनिंग, यानी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि उसका हीट लाइटनिंग का एक्चुअल में सीन क्या था, अपीयरेंस या जो कह लो कि क्या उसका इंटरनल एक्सटर्नल किस तरीके से चल रहा था, तो या ओवरऑल आप बता सकते हैं कि किस जगह पे ये हो रहा था। तो कहता है कि प्ले टू प्लेस एट द डेजर्टेड हाईवे, डेजर्टेड का मतलब डेजर्ट कहते हैं सहरा को, डेजर्टेड का मतलब एज अ वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, तो मीन्स के इसका मतलब होगा यानी बिल्कुल खाली, ठीक है, डेजर्टेड। समवेयर इन द मिडवेस्ट, मिडवेस्ट का मतलब है मशरक के मगरिब वस्ता, मिडवेस्ट मगरिब वस्ता, यानी एक आप कह लो कि एक प्लेस है, एक जगह है जहाँ पे बिल्कुल सुनसान है और वहाँ पे ये प्ले हो रहा है। इंटीरियर ऑफ द बस स्टेशन इज डल, अंदर जो है वो यानी कोई खास माहौल नहीं है, डल है। द टू बेंचेज आर लाइंग देयर इन द राइट स्टेज, उसके राइट पे दो बेंच पड़े हुए हैं। द रूम द स्टेशन रूम हैज़ थ्री डोर्स, उसके तीन दरवाजे हैं, असल में मेन दरवाज़ा एक ही है और बाकी जो दो दरवाजे हैं शायद वो वॉशरूम के हो सकते हैं। एंड द टू विंडोज़, और दो खिड़कियाँ भी हैं। लार्ज स्केड्यूल या शेड्यूल भी आप इसको पढ़ते हो, इज़ हैंगिंग ऑन द राइट वॉल, यानी जो राइट वाली वॉल थी उसके ऊपर एक वो जो बस स्टेशन के जिसके ऊपर यानी अराइवल एंड डिपार्चर लिखा होता था वो भी सारा वहाँ पे मौजूद था। तो ये हो गया यहाँ तक, और उसके बाद जो है वो है 13 क्वेश्चन, हाउ डज द फर्स्ट मैन लुक, जो पहला जो आदमी था वो कैसा नज़र कैसा आता था। तो जो फर्स्ट मैन था वो खुश शक्ल था, यानी दिखने में बेहतर था, और 35 साल का था वो। ही इज़ हाउ डज, अभी जो कि प्रेजेंट में है तो हम आंसर इसका प्रेजेंट में देंगे, ही इज़ प्लेजेंट लुकिंग मैन ऑफ द अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड,
एंड ही वॉज वेयरिंग अ हैड एंड लॉन्ग कोट, लंबा कोट पहना हुआ था और हैड पहनी हुई थी, और 35 साल का एक खुश शक्ल आदमी था। लो जी, आखिरी हम सवालों की तरफ हैं और वो है नंबर 14। वाई वॉज अ गर्ल नॉट रेडी टू गो टू द पुलिस स्टेशन, वो लड़की यानी पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाना चाहती थी, मतलब उसके कातिल उसके पीछे है तो उसको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं जाना चाहती थी। शी डिड नॉट रेडी, शी डिड नॉट रेडी टू गो टू द गो देयर एज शी डिड नो द डिटेल ऑफ द इंसिडेंट, यानी जो इंसिडेंट था उसके बारे में वो एक्चुअली में डिटेल नहीं जानती थी, कि उसकी उसकी शक्ल नहीं देखी थी ना, यानी जो वो सवाल करेंगे तो जवाब नहीं दे पाएगी। शी सेड दैट द पुलिस माइट आस्क टू डिस्क्राइब द मैन, दे माइट आस्क टू आइडेंटिफाई हिम एंड विच शी देन वॉन्ट टू डू, जो वो करना नहीं चाह रही थी, मतलब कुछ ऐसे उल्टे सीधे सवाल करेंगे, अच्छा उसका स्केच बता दो, नाक फीना था, लंबा था, कैसा था, आंखें कैसी थी, बाहर को निकली हुई थी, बल्जिंग आइज थी या बल्जिंग आइज नहीं थी, कान कैसे थे उसके, जैसे कि होता है, ठीक है। तो वो इस चीज़ को असल में चाह रही थी, और फिर मैं बार बार कॉल करेंगे, अच्छा आइए मुहतरमा, हमने कुछ पंदे पकड़े हैं, आप बताइए इनमें से कुछ है वो, या इसमें से, या इसमें से, तो वो चाह रही थी कि मुझे बार बार चक्कर नहीं लगाने, ऐसा वो सोच रही थी, तो ऐसा ना करना पड़े, तो ये एक रीज़न थी। तो दैट्स वाई कि वो पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाह रही थी। हाउ डिड द सेकेंड मैन लुक, दूसरा जो आदमी आया था वो कैसा नजर था, वो भी खूबसूरत था, बनते वैसे दोनों खूबसूरत थे, लड़की भी खूबसूरत ही होगी। एंड हाउ वॉज एन ऑर्डनरी सॉर्ट ऑफ, ही वॉज एन ऑर्डनरी सॉर्ट ऑफ पर्सन, यानी एक आम सा बंदा था, एंड ही वॉज अ टॉल नाइस लुकिंग एंड अबाउट 30 years ऑफ एज, ये 30 साल का है जो फर्स्ट मैन था, वो 35 साल का था, लेकिन दोनों खूबसूरत थे, गुड लुकिंग थे मीन्स। हाउ डिड द सेकेंड मैन परसुएड द गर्ल टू सी द लाइटनिंग, हाउ डिड द सेकंड मैन पुश्ड द गर्ल टू सी द लाइटनिंग, यानी उसने वो रोशनी, उसने कहा ना कि मुझे तूफान से डर लगता है, तो उसने कहा कि तूफान से डरने वाली कौन सी बात है, आओ मुझे, मैं भी कभी एक किसी दौर में डरा करता था, तो फिर मैंने अपने खौफ पर काबू पा लिया था, आपको याद है ना पूरा प्ले, तो उसके अंदर तो फिर वो उसका हाथ पकड़ कर उसको ले जाता दरवाजे पर, उसने कहा देखो तुम कितनी खूबसूरत नजर आए, दो दो जहान तुम्हें अलग नजर आएंगे, 4 जुलाई की तरह, यानी अमेरिका के आज़ादी के दिन की तरह। तो खैर, ही सेड दैट द लाइटनिंग वुड बी वन ऑफ द रियली ब्यूटिफुल साइट, ये जो ये रोशनी है ये खूबसूरत मंजर होगा, एंड इट वुड लुक ब्रिलियंट लाइक द बिग 4th of July, एंड इट वुड सीम टू कट द वर्ल्ड इन टू द 2 parts, ये दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगी, ऐसे लगेगा कि जैसे दुनिया 2 हिस्सों में आ गई है, यानी रोशनी और ये, यानी एक अच्छा प्यारा मंजर हो जाएगा। 4 जुलाई का जो मतलब है वो ये मैं पहले बता चुका हूँ प्ले के अंदर, कि इससे मुराद है कि यानी 4 जुलाई 1776 के जो अमेरिका आज़ाद हुआ था ब्रिटिश से, तो ये वो है। व्हाई डिड द फर्स्ट मैन आस्क द गर्ल सो मैनी क्वेश्चन, उसने इतने सवाल उससे क्यों किए, तो सवाल क्यों वो कर रहा था, क्योंकि असल में वो जानता था कि कातिल तो इनफैक्ट मैं ही हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जानती हो और किस तरह से मेरी शक्ल देख ली हो और ये जाके पुलिस को बता दे, स्केच बता दे, तो मैं कल को पकड़ा जाऊँ, ऐसा कुछ वो सोच रहा था, तो इसलिए वो सवाल बार बार पूछ रहा था कि मुझे सारा पता चले कि इसके अंदर चल क्या रहा है, लेकिन उसको शो भी नहीं करना चाह रहा था कि मैं ही कातिल हूँ, यानी इस अंदाज से वो बात को फेर फिरा के एक तरह से उसको सिंपैथी देता था, दूसरी तरह से उसे बात पूछ लेता था, तो ये इस तरह के लोग होते हैं। तो ही आस्क्ड हर सो मैनी क्वेश्चन टू सी इफ शी न्यू अबाउट हिम, इफ शी कुड हेल्प द पुलिस, इफ शी कुड रिकगनाइज हिम, इफ शी कुड रिमेंबर एनीथिंग अबाउट हिम, उसके बारे में कुछ जानती थी, उसे पहचान सकती थी, कुछ बता सकती थी, या पुलिस की कुछ हेल्प कर सकती थी, तो इस वजह से ये वो सारे सवाल पूछ रहा था। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जो है वो अच्छी लगी होगी, और अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर लें, और अगर अच्छी नहीं लगी तो आप इसको डिसलाइक कर लें, तो और वीडियो देखने के लिए आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।